107वीं से चुनाव में बुरी तरह हारने वाले कांग्रेस के दिग्गी राजा 23 मई के बाद कहां लापता हो गए थे ये कोई नहीं जानता। एक महीने के बाद एक बार फिर उनकी वापसी हुई और वापसी भी ठीक उसी अंदाज में हुई जैसी उनकी पहचान है। उन्होंने ट्विटर के सहारे राजनीति में दोबारा एंट्री मारी और फिर से फिजूल की बात करने लगे। दिग्विजय सिंह ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। सारे ट्वीट योग दिवस को लेकर थे। दिग्गी राजा ने कहा कि मोदी अच्छे इवेंट मैनेजर है, जिसका जिक्र आडवाणी ने भी किया था और मोदी की सफलता का यही राज है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट में लिखा कि मोदी योग को प्रचारित करते हुए इसे मीडिया इवेंट बनाते हैं, जो कि सही नहीं। अब अगर मोदी ने योग को इवेंट बनाकर दुनिया भर को 21 जून को योग दिवस मनाने पर मजबूर कर दिया, तो इसे इवेंट बनाना कितने लोग गलत कहेंगे ये दिग्विजय सिंह ही जाने। और वैसे भी दिग्विजय सिंह खुद 72 साल के हैं, उन्हें राजनीति के बजाय योग पर ध्यान देना चाहिए, इससे उनका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और दिग्विजय सिंह ने जो बात इवेंट को लेकर कही, तो उन्हें ये भी जान लेना चाहिए कि चुनाव लड़ने के दौरान उन्होंने भोपाल में साधु संतों का जो जमावड़ा लगाया था वो किसी इवेंट से कम नहीं था। हजारों साधुओं को बुलाया था, मिर्ची से हवन कराया था, लेकिन फिर भी हार गए। अब खुद करे तो चमत्कार और मोदी करे तो कुछ और, ऐसा कहने वाले दिग्गी राजा की सोच कैसी है, यह आप ही समझिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।